बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस लेक्चर इज़ फॉर डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल दैट हाउ व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज़ डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाई आर द थिंग्स चेंज्ड व्हेन वी नीड टू change them into from direct into reported speech, that when we change a pronoun, how is it changed, when we change the tense, how and why is it changed, and everything that confuse you about the direct and reported speech. In this lecture you are going to learn everything. So here we will learn that what is a direct speech, what are indirect or reported speech, how to change direct speech into reported speech, how to change reported into direct speech. So first of all, you must have your English classbook notebook, because you will need to write down the things and note down the things that I am going to tell you, important things here in this lecture. So please open your English classbook notebook and pick your stationery. Listen everything very carefully and try to understand in a very true spirit, that it is very important topic for you. If you are grade 4, then this topic is going to be prolonged till your matric or after matric. आप जिस grade में भी हैं, आपने इस topic की अगर basics आपको नहीं आएंगी तो ये आपके लिए next grades में problem करेगा, क्योंकि next grades में आपको इससे advanced चीज़ें लर्न करना पड़ेंगी. सो आपने बहुत केयरफुली, बहुत अटेंटिवली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. एंड इफ़ यू नीड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर टीचर, यू कैन सेंड अ वॉइस नोट मेंशनिंग योर नेम एंड द टॉपिक अबाउट विच यू आर गोइंग टू आस्क एनीथिंग. सो व्हाट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच? सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन हैज सेड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. आपको किसी ने कोई बात कही, आप एग्जैक्टली वही वाले वर्ड्स जब किसी को कन्वे करेंगे तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच. हेयर व्हाट अ पर्सन सेज अपीयर्स विद इन कोटेशन मार्क्स, इट शुड बी वर्ड फॉर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, शी सेट टूडेज लेसन इज ऑन स्पीचेस. शी सेट टूडेज लेसन इज ऑन स्पीचेस. This sentence is a direct speech, so we enclosed it in quotation marks. Okay. Indirect or reported speech doesn't use quotation marks to enclose what the person said. It doesn't have to be word for word, and the tense usually changes. This is because when we use reported speech, we are usually talking about a time in the past, because obviously the person who spoke originally spoke in the past. The verbs therefore usually have to be in the past too. I hope that ये बात आपको अच्छे से समझ नहीं आई होगी. एक्चुअली बात क्या है, सपोज अगर आपको आपके भाई ने कहा आई एम हंग्री, आपके भाई ने क्या कहा, आई एम हंग्री, आप जाके मामा को बता रहे हो कि भाई ने मुझे कहा है आई एम हंग्री. अगर आप मामा को जाके ये कहोगे, भाई ने कहा है आई एम हंग्री, ब्रदर सेड आई एम हंग्री, तो ये होगा डायरेक्ट स्पीच. आपने एज इट इज़ वही वाले वर्ड्स जो आपके भाई ने कहे थे, आप जाके मामा को बताओगे, ये होगा डायरेक्ट स्पीच. और अगर आप इसे इनडायरेक्ट में बताओगे, आप कहोगे मामा भाई कह रहे हैं दैट आई एम हंग्री. अब आई एम, आप तो नहीं कहोगे कि आई एम हंग्री, आप तो ये बताएंगे कि भाई हंग्री हैं, तो आप आई एम तो नहीं कहोगे, बिकॉज तुम, आप तो नहीं हो ना हंग्री. आप क्या कहोगे, मामा भाई सेज दैट ही इज़ हंग्री. ऐसा ही है ना, आप आई एम को किस में चेंज कर दोगे, ही इज़ में, क्योंकि आप तो हंग्री नहीं हो, आप तो भाई की बात बता रहे हो. मामा भाई सेज दैट ही इज़ हंग्री. ओके, नाउ लेट्स सपोज एक दिन आपके भाई ने आपसे कहा आई एम हंग्री, और आप नेक्स्ट डे मामा को बता रहे हो. अब नेक्स्ट डे तो नहीं आप कहोगे कि भैया इज़ हंग्री, क्योंकि उस टाइम तो नहीं होंगे वो हंग्री, वो तो पुरानी बात हो गई, उन्होंने तो आपको एक दिन पहले कहा था. अब जब आप एक दिन बाद ये बात बताओगे, आप ये तो नहीं कहोगे कि ही इज़ हंग्री, वो अब तो हंग्री नहीं है, अब तो उन्होंने खाना खा लिया होगा, मे बी टू टाइम्स मील उन्होंने ले ली होगी. अब आप क्या कहोगे अपनी मामा को, मामा यस्टरडे भैया सेट दैट ही वॉज हंग्री. ओके, मम्मी भैया सेट दैट, भैया सेट यस्टरडे
दैट ही वॉज हंग्री. अब ही आपने इसलिए चेंज किया कि आप तो नहीं हैं, वो तो भैया हैं, तो भैया के लिए आप ही बोलोगे ना. इसी तरह आपने इसको वॉज में क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि बात पुरानी हो गई. भैया ने तो एक दिन पहले कहा था कि आई एम हंग्री. जब आप नेक्स्ट डे बताओगे तो आप कहोगे मम्मी भैया सेट दैट ही वॉज हंग्री. ओके, कहने वाले ने तो पहले बात कही, एक दिन पहले कही, दो दिन पहले कही या कुछ टाइम पहले कही. आप जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे होगे तो तब तो वो बात पुरानी हो चुकी होगी. इसलिए आप क्या करोगे, आप टेंस को भी चेंज कर दोगे. अगर वो प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा, वो पास्ट है तो वो पास्ट से भी पीछे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. अब वो अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. वो प्रेजेंट का कोई भी टेंस है वो पास्ट के उसी रिस्पेक्टिव टेंस में चला जाएगा. अगर वो सिंपल पास्ट है तो वो सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट बन जाएगा. अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट. अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. ठीक है ना. जब आप बात को रिपोर्ट कर रहे होगे तो जो बात कहने वाले ने बात कही होगी वो तो पुरानी बात हो गई, अब वो तो पास्ट की बात हो गई. अब आप उसका टेंस भी चेंज कर दोगे. और आपने प्रोनाउन क्यों चेंज किया, क्योंकि भैया ने तो कहा आई एम हंग्री. अब आप अपने बारे में तो नहीं कह रहे कि मम्मा आई एम हंग्री, आप तो कह रहे हैं कि मम्मा भैया सेज दैट ही इज हंग्री. और नेक्स्ट डे अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे मम्मा यस्टरडे भैया सेड दैट ही वॉज हंग्री. ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिटन हियर दैट द टेंस यूजुअली चेंजेस. दिस इज बिकॉज व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट द टाइम इन द पास्ट, बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन हु स्पोक ओरिजिनली स्पोक इन द पास्ट. The verbs therefore usually have to be in the past too. Is it clear now? I hope it is clear to you now. और ये आपको मज़ीद clear हो जाएगा जब हम यहाँ पर कुछ examples करेंगे. Direct into reported speech, we have to change the tense. और tense change हम कैसे कैसे करते हैं. As a rule, when you report something to someone has said to you back a tense, the tense on the left changes to the tense on the right. यानी कि अगर तो वो अभी ये बात कर रहा है और आप अभी अभी उसकी बात कन्वे कर रहे हैं तो फिर तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी अभी की बात है. और अगर आप पुरानी बात रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो बात होगी वो भी पुरानी हो जाएगी और उसका भी टेंस चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल a sentence is she says it is cold. She says, वो कहती है that it is cold, वो अभी भी कह रही है. ठीक है, तो ये present की ही बात है, वो अभी बात कर रही है और आपने अभी इस बात को report करना है. तो आप क्या कहेंगे, she says that it is cold. Tense change नहीं हुआ क्योंकि वो अभी बात कर रही है. आपके भैया ने अभी अभी कहा कि I am hungry, आप अभी अभी जाके अपनी मम्मा को बता रहे हो तो आप was तो नहीं कहोगे, आप कहेंगे भैया अभी अभी हंगरी हैं. ठीक है. और अगर आप बाद में बता रहे हो कि पिछले फलां टाइम में एक दिन पहले या दो दिन पहले या दो घंटे पहले भैया हंग्री थे, फिर टेंस चेंज होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर दे सेड सारा टीच्स इंग्लिश. दे सेड, उन्होंने कहा. सेड से हमें क्या पता चला कि ये कोई पास्ट की बात है. उन्होंने पता नहीं कब पास्ट में कहा, दो दिन पहले कहा, दो घंटे पहले कहा, दो साल पहले कहा. सारा टीच्स इंग्लिश, तो क्या होगा, सारा टीच्स ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा. दे सेड दैट सारा taught English. Is it clear now? Okay. Now let's see that कैसे आपके जो tenses हैं वो change होते हैं. Is, are, am change हो जाता है was verb में. Verb की first form change हो जाती है verb की second form में. हर एक tense अपने से past में चला जाएगा. अगर वो present का कोई भी है तो वो past के उसी में चला जाएगा. अगर वो already past का है तो वो past perfect में चला जाएगा. Do, does, did में चेंज हो जाएगा. वर्ब सेकेंड फॉर्म या did है मतलब कि वो ऑलरेडी पास्ट है तो वो had के साथ पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. Has, have है तो वो had में चला जाएगा. This is how the tense is changed. आप लोगों ने ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है अपनी इंग्लिश क्लास वर्क नोटबुक में. टॉपिक होगा जी डायरेक्ट इनटू रिपोर्टेड स्पीच एंड देन यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक के टेंस कैसे चेंज होता है. Pause the video and copy this slide in your notebook. Our next thing is that modal verb change. Modal verbs क्या होते हैं, can, may, might, etc. ये सारे modal verbs होते हैं जिन्हें आप verb to be के नाम से जानते हैं. Was, were, can, could, etc. ये सारे modal verbs होते हैं. Can, could में change हो जाएगा. Will, would में change हो जाएगा.
मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा, शेल शुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा. यू विल नोट दिस स्लाइड इन योर नोटबुक. मॉडल वर्ब चेंज कैन इंटू कुड, विल इंटू वुड. अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में कैन है, आप उसे रिपोर्टेड बनाओगे तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा. विल, वुड, मस्ट, हैड टू, शेल, शुड, मे, माइट. आपने सिर्फ इनको लिखना नहीं है, आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, याद रख लेना है, और फिर जब आपने रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट करनी है, आपने इन सारी बातों को याद रखना है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोनाउन चेंज. द मोस्ट ट्रिकीएस्ट थिंग अबाउट रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों चेंज होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है. सो लेट्स हैव सम एक्सरसाइज, सम इंजॉइंग एक्सरसाइज हियर. ओके, ये एक गर्ल हैं और वो कह रही हैं कि आई एम हैप्पी. क्या कह रही हैं? आई एम हैप्पी. उसकी कोई फ्रेंड हैं, वो उसके बारे में कह रही हैं कि एना सेट आई एम हैप्पी. एना सेट आई एम हैप्पी. इनका नाम एना है और वो कह रही हैं आई एम हैप्पी. उनकी फ्रेंड कह रही है एना सेट आई एम हैप्पी. अब यहाँ पे आई एम हैप्पी, ये एग्जैक्ट एना के वर्ड्स हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. अगर एना की फ्रेंड, सपोज शी इज़ लाइला, लाइला जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में बात करें तो वो कहेंगी आइना सेट दैट शी वॉज हैप्पी. अब लाइला ये तो नहीं कहेंगी आइना सेट दैट आई एम हैप्पी. लाइला अपने बारे में तो नहीं बता रही हैं, लाइला तो एना के बारे में बता रही हैं. एना के लिए वो आई की बजाय क्या यूज़ करेंगी? शी. और एम किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में, क्योंकि ये कोई पुरानी बात है. जब एना ने कहा था कि आई एम हैप्पी, लाइला अब उसकी बात को रिपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं एना सेट दैट शी वॉज हैप्पी. This is the direct speech and the second one is the reported speech. Did you understand it? हमने किस तरह से pronoun को change किया? We changed I into she and is into was. Is it clear now? Okay. Here is Ali. Ali क्या कर रहे हैं? Ali swing को enjoy कर रहे हैं और Laila अब उन्हें देख रही हैं. अली क्या कह रहे हैं? अली ने किसी टाइम में कहा आई एंजॉय स्विंग्स, और लैला बाद में किसी दूसरे के सामने इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि अली एंजॉयज स्विंग. जब वो डायरेक्ट बात बोलेंगी तो वो कहेंगी अली सेट आई एंजॉय स्विंग्स, और जब वो रिपोर्टेड में बोलेंगी तो वो कहेंगी अली सेट दैट ही एंजॉयड स्विंग्स. आई एंजॉय, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज हो गई? ही एंजॉयड स्विंग्स. हमने आई को ही में चेंज क्यों किया? क्योंकि ये तो अली की बात है, लैला अपने बारे में तो नहीं कह रही आई एंजॉयड स्विंग्स, वो तो अली के बारे में बात कर रही है. सो वो क्या कहेंगी? ही एंजॉयड स्विंग्स. दिस इज द डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच. हेयर इन दिस सेंटेंस वी चेंज्ड आई इनटू ही एंड एंजॉय इनटू एंजॉयड. आर यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर? ओके, here are some children who are playing and they say that we are playing, we are playing. Laila again yahan pe bhi aa gayi hain aur wo kya keh rahi hain? They said we are playing. Direct speech mein unhone kya kaha? They said we are playing. Aur agar wo usko reported mein batayenge to wo ye to nahi kahenge we are playing. Laila log to play nahi kar rahe hain, Laila aur uske friends to nahi khel rahe hain, wo to un kisi aur ke bare mein baat kar rahi hain. To wo kya kahengi? They said that they were playing. R किस में चेंज हो गया? Verb में. This is direct and this is reported. We changed into they. R changed into verb. Okay. Who is she? She is Snow White. Okay. वो क्या कह रही हैं? I will look myself in the mirror. वो कह रही हैं I will look myself in the mirror. अब जब आप उनकी बात को रिपोर्ट करेंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि I will look myself into the mirror. आप तो उसके बारे में कहेंगे कि she will look herself in the mirror. तो देखते हैं लैला यहाँ क्या कह रही हैं.
शी सेड आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, ये क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच, और जब वो उस बात को रिपोर्ट करेंगे तो वो कहेंगे सी शी सेड दैट शी, विल किस में चेंज हो गया वुड में, लुक माई सेल्फ किस में चेंज हो गया, स्नो वाइट अपने बारे में माई सेल्फ कह रही थी ना, हम तो उसके बारे में माई सेल्फ नहीं कहेंगे क्योंकि वो हम तो नहीं है, हम तो कहेंगे हर सेल्फ, शी सेड शी दैट शी वुड लुक हर सेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे हमने एक और प्रोनाउन चेंज लर्न किया कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो भी चेंज हो जाता है। दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड क्लाउड सेज रिपोर्टेड स्पीच, विल इज चेंज इंटू वुड, शी आई इज चेंज इंटू शी एंड माई सेल्फ चेंज इंटू हर सेल्फ। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन भी चेंज होगा और ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन भी चेंज होगा। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं? आई हो सकता है जिसे हम ही या शी में चेंज कर देंगे, जो भी कोई वो होगा। वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या हो सकते हैं? मी, इसे हिम और हर में, जैसे हम आई को ही या शी में चेंज करेंगे इसी तरह मी को हिम और हर में चेंज कर देंगे। अस इज चेंज इंटू देम। ओके, हियर आर सम टाइम फ्रेजेस। अब देखें, आपके भैया ने किसी दिन कहा कि आई एम हंग्री, उसने कहा आई एम हंग्री नाउ, और आप 3 days बाद अपनी मम्मा को बता रहे हैं कि भैया सेड दैट ही वॉज हंग्री नाउ। अब आप नाउ बोलेंगे? नहीं, क्योंकि अब तो बात पुरानी हो गई, अब नाउ तो नहीं है, तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा? देन में। भैया सेड दैट ही वॉज हंग्री देन। ओके, दीज आर द टाइम फ्रेजेस, इनको हम कैसे चेंज करते हैं? नाउ इज चेंज इंटू देन, टू डे इज चेंज इंटू दैट डे, टू नाइट चेंज इंटू दैट नाइट, टूमोरो इज चेंज इंटू द नेक्स्ट डे। जब उन्होंने बात की तब उन्होंने कहा टूमोरो, हम साल बाद उनकी बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे टुमारो, हम तो कहेंगे उस बात के नेक्स्ट डे, यस्टरडे उस बात से प्रीवियस डे। ओके, यू विल नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। ओके, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स एंड यू विल राइट दीज एग्जांपल्स डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इज वी आर गोइंग टू लाहौर टू नाइट, दे सेड, किसने कहा है? दे, कोई पता नहीं कौन, तो यहाँ पे हम वी तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हम लोग तो नहीं है, तो वी चेंज हो जाएगा धैम में, आर चेंज हो जाएगा वर में, टू नाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कब कहा, पिछले संडे कहा, पिछले मंथ कहा, 2 साल पहले कहा, वी डोंट नो। सो ये कैसे चेंज हो जाएगा? दे सेड दैट दे वर गोइंग टू लाहौर दैट नाइट। राइट दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज I will go for a walk and enjoy myself, said Anya. अब आनिया ने कहा I will enjoy, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि I will enjoy, हम तो ये कहेंगे Anya said that she would enjoy. So ये किस में चेंज हो जाएगा? Anya said that she would go for a walk and enjoy myself. अब हम अपने बारे में बात तो नहीं कर रहे, हम तो myself नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? Herself. नेक्स्ट इज आई लर्न माई लेसन यस्टरडे, सेट इमरान। अब इमरान ने कहा आई लर्न माई लेसन, तो हम आई तो नहीं कहेंगे, हम तो ही कहेंगे। अली, इमरान सेट दैट ही हैड लर्न हिज लेसन द प्रीवियस डे। लर्न क्या था? ऑलरेडी पास्ट था, तो जो ऑलरेडी सिंपल पास्ट में होगा उसे हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट परफेक्ट बना देंगे। इमरान सेट दैट ही हैड लर्न हिज लेसन द प्रीवियस डे। Ali has bought a new pen for me, said Momin. Momin said that Ali had bought a new pen for him. Ali ne to kaha na for me, to main jab uski baat karungi to main ye to nahi kahungi ki for me, main to kahungi ki for him, Ali ke liye of course. Ali has bought a new pen for me, said Momin. Ab ye Momin keh rahe hain to Momin ke liye main kaun sa pronoun use karungi? Him. Is it clear? I hope all type of changes are discussed here in these examples and you have written them. Now for your homework for reported speech is also given to you. It is going to be given you as a worksheet through WhatsApp.
यू विल डू दैट वर्कशीट इन योर होमवर्क नोटबुक, और उसके दरमियान में आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप ये लेक्चर ओपन करना है और उसको देख लेना है कि हमने किस वर्ड को किस वर्ड में चेंज करना होता है. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.